अभी तक चार दिया है, कल से मैंने चार दिया है, दहिसर, मराड़, मरोल, अंधेरी और घाटकोपर, चार जगह पे दिया है। लेकिन आज जिस हिसाब से मेरी बात हुई है डीसीपी साहब से, वो हिसाब से कल से वैन बढ़ेगी और सारी बहुत सारे लोकेशन पे जहाँ जहाँ नाकाबंदी है वहाँ पे वो लोग वैन मांग रहे हैं और मैं देने के लिए राजी हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने 19 वैन दिया था 65 डेज के लिए मुंबई पुलिस के लिए। तो इस बार भी मैं चाहता हूँ कि 20 से 22 मिनट तक मैं दे पाऊँगा, मैं तो इस बार भी वैन देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये हर एक वैन के अंदर से तीन तीन रूम है, तीन बेडरूम जैसे अपने होते हैं, जिसमें सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल है, बाथरूम है, एसी है, हर एक वैन में प्रॉपर तीन रूम है। तो एक एक वैन के अंदर तीन तीन रूम है, तो लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग आराम से आराम कर सकते हैं, अंदर बाथरूम यूज़ कर सकते हैं और वो लोग प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उनको रेस्ट ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं। नहीं सर, जहाँ तक मुझे नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की वैन है और कोई पॉलिटिकल इसमें कुछ इश्यू है वो है नहीं। मैंने मेरी खुशी से जो मुंबई पुलिस हमारे लिए जो वर्क कर रही है 24/7 कड़ी धूप में खड़ी रह के, खास करके लेडीज़ पुलिस जो इतनी मेहनत कर रही है दिन रात देखे बगैर, तो उनको कुछ सहूलियत मिल जाए, कुछ सपोर्ट मिल जाए, उसलिए मैं कर रहा हूँ। बाकी और कोई स्वार्थ नहीं है, ना मैं किसी से 1 रुपया ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ चार्ज, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज दे रहा हूँ मैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।